ओह माय गॉड, यहाँ से खेसारी भैया का कपड़ा जाता है और आज प्रमोद प्रेमी यादव का कपड़ा जा रहा है यार, बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। रेड कार्पेट पे एक सॉन्ग लॉन्च है, उसके लिए इन्हें बुलाया गया है और ये लोग प्रमोट करेंगे, हम लोग तो खाली काम करते हैं। सो ही गाइस, कैसे हैं आप लोग? और आज मैं जा रही हूँ पटना प्रमोद प्रेमी से मिलने के लिए। बहुत ही बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर हैं वो। बहुत दिनों के बाद घर से निकले हैं और जा रहे हैं प्रमोद प्रेमी से मिलने के लिए इवेंट में। सो हम लोग को इनवाइट किया गया है, तो अभी बाइक से इतना ज़्यादा परेशानी हुआ हम लोगों को कि मत पूछिए, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुआ और पूरा पसीना आ रहा है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगा हमको, इतना ज़्यादा गर्मी लगा। और पीछे मेरी ट्रेन खड़ी है, सो आप देख सकते हो पीछे हस्बैंड भी है यार, पूरा फेस का एकदम से मतलब ना हुलिया बिगड़ गया है। और अभी जो ये ट्रेन है मेरी खुलेगी, मतलब 1 या 2 बजे शायद ऐसे ही खुलने वाली है। अभी अंदर एंटर नहीं की हूँ। और रहा बात जब मैं रास्ते में थी उस टाइम मेरा ब्लॉग शूट नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा जाम था, इसलिए नहीं हो पाया। सो आगे मिली ब्लॉग में। बहुत ही ज़्यादा बाहर गर्मी है था, और अभी थोड़ा सा मतलब मेरा जो 17-20 जो है वो हम लोग का सीट है। अभी तो कितना है, 29-30 हम लोग का सीट मिल गया है। किसको चीनी बादाम पसंद है कमेंट में जरूर बताना। लोग पटना जंक्शन पहुंच चुके हैं, नीचे जा रहे हैं, बैग वाली दिए हैं, फ्रेंड को दे दी है प्लेन बनाने के लिए। पर यहाँ से कहाँ जाना है अब लोकेशन देखने के बाद ही पता चलेगा। पीछे आप देख रहे हो, आपको पटना दिख रहा होगा, पटना जंक्शन। अभी मेरा मन कर रहा है यहाँ पे रील बनाने का, बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा है। फाइनली हम लोग मॉल आ चुके हैं और भैया पिकअप करने के लिए आए थे, खुद प्रमोद प्रेमी भैया के टीम जो है पिकअप करने के लिए आए थे। सो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पीछे आप देख सकते हो हमारे साथ लकी भैया है और उनकी सारी टीम जितने भी हैं। मैं एक एक करके सभी से इंट्रोडक्शन करवाती हूँ आप सभी का। नमस्ते प्रणाम, मैं आप सबका भाई लकी विश्वकर्मा और ये आई है पटना। कल प्रमोद प्रेमी का रेड कारपेट पे एक सॉन्ग लॉन्च है, उसके लिए इन्हें बुलाया गया है और यही लोग प्रमोट करेंगे, हम लोग तो खाली काम करते हैं। नहीं भैया ऐसा नहीं है। और जो भी इस ब्लॉग को देख रहा है तो सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा इनका कि इस ब्लॉग में मैं हूँ। और अच्छा लगता है जब ऐसा प्यार मिलता है, और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, ऐसे ही सबसे दुआ है। ठीक है, थैंक यू। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है लकी विश्वकर्मा, जो कि भोजपुरी में जितने भी शूटिंग होती है, एल्बम होती है, उसका ये वीडियो डायरेक्टर है और वीडियो शूट करवाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कल्लू जी के साथ, खेसारी भैया के साथ और पवन भैया के साथ। नमस्कार, मैं विराट शर्मा, मेरा एक गाना रहा यार ये सिक्सटीन म्यूजिक चैनल, जो मेरा खुद का चैनल है। और आप सब प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और इतना कीमती समय अपना निकाल कर और हमारे चैनल के लिए आपने आया, तो आपको बहुत दिल से थैंक यू। और सभी दर्शकों से आप भी अपील करिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सारा प्यार दें, और जो भी हमारे चैनल पे गाने आएंगे उनको मतलब सब्सक्राइब बनाइए और सपोर्ट करिए और मेरे गाने को वायरल कीजिए। और यही नहीं, हम आगे बहुत सारे गाने करेंगे जो कि बैक टू बैक आते रहेंगे। बस यही है कि आप लोग अगर प्यार मिला तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो हम काम करने में और भी मुझे मजा आए, बस यही। और इनके ब्लॉग को, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। और सबसे बड़ा सरप्राइज इस वीडियो में ये है कि हम लोग प्रमोद प्रेमी मतलब इतने बड़े स्टार, उनका हम लोग कपड़ा खरीदने के लिए जा रहे हैं। सो यार मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ इस वीडियो में, मतलब क्या पहनेंगे मैं पहले ही। आप भी बोलिए अपने ऑडियंस को, जो भी आपको देखते हैं, कि आप वो लोग मेरे चैनल को प्यार करें और सपोर्ट करें एकदम। चैनल 369 म्यूजिक, 369 म्यूजिक। जैसे कि आप सभी देखे भैया लोग से
बहुत सारा बात हो चुका है और देखते हैं क्या सेलेक्ट करते हैं प्रमोद प्रेमी भैया के लिए कौन सा ड्रेस। सो हम लोग आ चुके हैं अंदर। माय गॉड, यहाँ से खेसारी भैया का कपड़ा जाता है और आज प्रमोद प्रेमी यादव का कपड़ा जा रहा है। यार बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा है सच में, यहाँ से जाता है और मैं भी हूँ आज। सच में अमेजिंग, बहुत खुशी मिल रही है। मैं भी देखूंगी, मैं पसंद कर दूंगी। देखते हैं क्या कलेक्शन होता है। वीडियो डायरेक्टर लक्की विश्वकर्मा जी और यार कितना मैं काला दिख रहा हूँ भैया, हम फिल्टर लगा देंगे। उस वाले सेक्शन में तो पसंद नहीं आया, पर ये वाला जो था, ये वाला मॉल बंद था और इसे खुलवा के प्रमोद प्रेमी जी के लिए कपड़ा लिया जा रहा है। सो आप देख सकते हो पूरा पीछे अंधेरा है और सच में यार बहुत बड़ा बात है, मतलब मॉल बंद है सारा, मतलब खुला नहीं है। सब पीछे देख सकते हो, कुछ खुला है कुछ बंद है, बट जो बंद है वो खुल गया है, लाइट भी जल गया पीछे देख सकते हो, बहुत बड़ा बात है यार। सो पूरे ब्लॉग में बने रहिए, ठीक है। फाइनली हम लोग रूम आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, तो अभी मैं खाना ऑर्डर की हूँ, थोड़ी देर बाद खाना आ जाएगा, उसके बाद खाऊंगी, उसके बाद सोऊंगी। तो बहुत ही ज़्यादा यार थक गई हूँ, इतना ज़्यादा पैर दुख रहा है, तो अभी मैं आराम करने वाली हूँ। देखते हैं अब क्या होता है कल के इवेंट में। हम लोग का खाना आ चुका है और अभी मैं थोड़ा सा खाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगा था हमको, बहुत ही ज़्यादा भूख लगा था। और अभी रात के 11 बज रहे हैं, मैंने ऑर्डर 10 में मैं की थी ऑर्डर। सो इतना ज़्यादा लेट कर दिया यार, एक घंटे बाद लेके आया मेरा ऑर्डर। अब देख सकते हो नीचे मैं ऑर्डर करवाई थी नान और चिल्ली पनीर और जो थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है, और ठंडा वगैरह मैं मंगाऊंगी अभी जाके, क्योंकि बिना ठंडा पिए तो यार मुझे पचता नहीं है। कभी भी मैं कुछ भी खाती हूँ, कुछ भी खा लूँ, मैं ठंडा जरूर पीती हूँ। बहुत सारी मस्ती होने वाले हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और बहुत सारा रील भी बनेगा। सो आप सभी को मेरे तरफ से गुड नाइट। सो फाइनली गाइस सुबह हो चुका है और सुबह के अभी कितना बज रहा है, 10 बज रहा है और 10 बजे मेरा आँख खुला है क्योंकि रात को पक्का 12 बज गया था, कितना लेट से हम लोग का खाना आया और खाने के बाद फिर आराम किए हम लोग, इतना जल्दी तो नींद आता नहीं है, तो 20 मिनट बाद नींद आया, उसके बाद फिर हम लोग सोए। नाश्ता तो हम कर लिए हैं, ठीक है, पर हमसे आया था चाय पूछने के लिए कि सर आप लोग को चाय चाहिए, और मेरे हस्बैंड को, हम बोले नहीं 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 हमको तो चाय नहीं चाहिए यार, लाएगा 5 रुपया का इतना छोटा चुक्का में और टिप मांगेगा यार 150 रुपया, इसलिए हम बोले ना ना हमको चाय नहीं चाहिए। ऐसे में चाय पीती भी नहीं हूँ बट मेरे हस्बैंड पीते हैं, बस टिप नहीं देने के लिए मेरे हस्बैंड चाय कैंसिल। फाइनली आज हम 12 तारीख को रेडी हो चुके हैं प्रमोद प्रेमी यादव का इवेंट में जाने के लिए। सो आप देख सकते हो कैसी लग रही हूँ मैं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही हूँ। और अभी हम लोग जाने वाले हैं तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ही मजा आएगा। और कमेंट करके ये भी बताइए कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। मैं कुछ अपना हेयर स्टाइल का अलग लुक की थी बट मुझे लगा कि नहीं यार थोड़ा ऑकवर्ड फील मैं कर रही थी। बहुत मज़ा आएगा आज के इवेंट में बहुत ही ज़्यादा। और अभी हम जस्ट निकलने वाले हैं और वहाँ क्या नज़ारा है, क्या है नहीं है, कहाँ पे इवेंट हो रहा है और क्या होने वाला है, क्या मस्ती करेंगे, सारा आगे का ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। सो चलिए बाय। फाइनली हम लोग इवेंट में आ चुके हैं और पीछे देख सकते हो आप
सब खाने के लिए पहुंच गए और हम फिर थोड़ा सा खा लेते हैं। हम लोग को इवेंट उधर हो रहा है और हम लोग को ये बोला गया कि आप लोग जाओ कुछ खा लो। तो अब देख सकते हो पीछे जितने भी क्रिएटर हैं इंस्टाग्राम के, टिकटॉकर, अब टिकटॉक तो नहीं चल रहा है बट इंस्टाग्राम के, तो पीछे जितने भी हैं सब खा रहे हैं। तो चलिए खाते हैं, देखते क्या है खाने में। ठीक है, न्यूज अच्छा आता है तो इसके वजह से तो नहीं कि लोग इस प्रचार के बनावर बन गए। सो हे गाइस, फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो पीछे ट्रेन जा रही है और हम लोग रेल गेट में जो है फंसे हुए हैं। बट यहाँ पे किस टाइप का ये स्टेशन है जहाँ पे कोई गेट नहीं दिया गया है, मतलब कोई भी पैसेंजर, मतलब कोई भी पब्लिक यहाँ से पार हो जाएगी, ट्रेन चला जाएगा। यार कोई भी गेट होना चाहिए ना, ऐसे में तो कुछ भी हो जाएगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है, आप देख सकते हो। और रहा बात, हम लोग का नाइट तो बहुत अच्छा गया और रात में ट्रेन में रहने के बाद पूरा आँख जो है वो फूल चुका है, आप देख सकते हो। आँख पूरा अच्छे तरीके से, मेरा मेकअप का भी धजिया उड़ गया है। तो अब घर जा रहे हैं, बस यही वीडियो को, पूरे ब्लॉग को एंड करते हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मस्त है। इवेंट में हम लोग बहुत मज़ा किए और रील्स भी बनाया है, और इंस्टाग्राम में जाकर रील्स ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मैं चलती हूँ, बाय।